हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, होलसेल प्राइजेस स्टेड ऑलमोस्ट फ्लैट इन सितंबर। क्या है, इंडियाज होलसेल प्राइजेस स्टेड इन डिफ्लेनेशनरी मोड फॉर द सिक्स्थ मंथ इन अ रो दिस इज सितंबर, एल्बेट ओनली फ्रैक्शनली विद इन्फ्लेशन एट -2.6% कंपेयर टू -5.2% -0.52% इन ऑगस्ट। होलसेल प्राइज इन्फ्लेशन हैड बीन 10.55% in September 2022, creating the highest base effect. Price rise in primary article and food items is sharply to 3.7% and 1.5% respectively, from 6.3% to 5.62% in August. तो आप देखिए, ये comparison है। However, within food items, the price rise in onion accelerated to cross 55% from 31.4% in August, while inflation in pulses spit to 17.7% from 10.45% in the previous month. Pulses हमारे लिए महंगे हुए हैं। Milk inflation hit a 3-month high of 8.6%. Vegetable prices, which had risen a sharp 67.6% and 48.4% in July and August, slid 15%, bringing some relief. But the price rise in cereals and wheat hardened to 7.3% and 6.3% respectively. The surge in global oil and the gas prices led to sharp rebound in crude petroleum and natural gas inflation, which hit a 8-month high of 15.6% from -1.9% in August. Despite a sequential rise in food prices so far, the month rating agency ICRA expect overall wholesale price to remain in deflationary territory in October as well. तो आप देखिए, इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सेकेंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन वर्सेस इन्फ्लेशन वर्सेस डिसफ्लेशन, ठीक है। ये टर्म्स हमारे, इन्फ्लेशन हमें सबको पता है, जब महंगाई बढ़ रही हो। आज आज एक पेन, वन पेन मुझे मिल रहा है 5 रुपए में, कल यही एक पेन मुझे मिलेगा 10 रुपए में। तो ये अगर बात हो रही है 2022 की, ये 2023 की, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप देखिए, डिफ्लेशन होता है प्राइस नीचे जाना, डिस इन्फ्लेशन होता है ये नेगेटिव टेरिटरी में प्राइस चला जाता है। जैसे आज प्राइस है ₹5 की, 2022 में मान लीजिए थी, और आज हो गई है ₹4 2023 में। तो ये प्राइस सस्ता हो गया है, तो माइनस में जा रहा है प्राइस। और डिस इन्फ्लेशन देखिए क्या होता है, प्राइस बढ़ तो रहा है पर वो रेट कम हो जा रहा है। जैसे ₹5 से ₹10 हुआ था पहले।